यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल. एक्सरसाइज 6.4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, लीस्ट नंबर फाइंड करना है, जिसे ऐड करने से जो गिवन नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, और हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी फाइंड करना है, नेक्स्ट परफेक्ट नंबर. तो सो दैट फर्स्ट क्वेश्चन है 525. तो 525 का सेम उसी प्रोसेस से हम डिवीजन मेथड से क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, और वो आ रहा है 22 और रिमाइंडर नंबर आ गया 41. तो स्टेटमेंट फर्स्ट में पहले हम लिखेंगे रिमाइंडर नंबर इज 41. सेकेंड स्टेट में हम करेंगे कि स्क्वायर ऑफ 22, ये जो स्क्वायर ऑफ 22 है ये लेस है, कम है किससे, 525 से, 2 में का परफेक्ट स्क्वायर नंबर. राइट, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर को बनाने में परफेक्ट नंबर नहीं है. सो नेक्स्ट नेक्स्ट स्क्वायर नंबर इज क्या हो जाएगा, 23. राइट, 22 तो ये है और ये हो जाएगा 23, और 23 का मतलब क्या होता है, 23 मल्टीप्लाई 23, 529. ये हम सेकंड स्टेप में इंक्लूड कर देंगे. अब हम थर्ड स्टेप करेंगे, इसमें हम करेंगे एडेड नंबर, हमें एडेड नंबर निकालना है. तो एडेड नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये नंबर अभी हमने परफेक्ट का काउंट किया है 529, इसमें से माइनस कर देंगे 525 को, गिवन नंबर को, और ये मेरे पास आ जाएगा 4. तो इसका आंसर हो जाएगा 4. राइट, इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे. तो सबसे पहले 750 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. 750 को अरेंज किया, पेयर बनाया, और हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया. सबसे पहले 4 आ रहा है, 4 जा आ रहा है 16, और इनका हमने सब्ट्रैक किया 1, और कंप्लीट पेयर 50 को हम लाए नीचे, और ये बन गया 150. 4 प्लस 4 क्या हो गया, 8. अब 8 के आगे नंबर्स लगाने हैं कि हमें परफेक्ट नंबर मिल जाए. तो 150 के लिए अगर मैं 1 लगाती हूँ तो 81 आता है, 2 लगाती हूँ तो 162 आता है, तो 162 बड़ा है इसलिए मैं यहाँ 1 ही ले लेती हूँ. 1 लेने से मेरे पास आता है 81, और सब्ट्रैक्शन वैल्यू आ जाती है इसकी 69. 10 में से 1 9, एंड 14 से 8 हटा तो यहाँ पे 6. तो 69 इसका क्या रिमाइंडर नंबर है. तो सेम वही स्टेप 1 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. रिमाइंडर नंबर इज ओके, रिमाइंडर नंबर कितना आ रहा है इसका, 69. और सेकंड स्टेप अब हम स्टार्ट करेंगे, और वहाँ लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 41. 41 जो अभी आंसर आ रहा है, स्क्वायर ऑफ 41 इज लेस देन, ये कम है. ओके, लेस देन किससे कम है, नंबर है जो 750 से, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर को शो कर रहा है उससे कम है. सो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, 41 से 42 का स्क्वायर, और 42 के स्क्वायर का मतलब क्या होगा, यहाँ मेरे पास 17, दैट मीन्स 1764. अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ मुझे एडेड नंबर फाइंड करना है कि कौन सा नंबर है जिसे मैं ऐड करूँ. तो एडेड नंबर क्या हो जाएगा, 1764 से मैं माइनस कर दूँगी 750, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 14. तो इसका आंसर हो जाएगा 14. तो ये मैंने अभी 2 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराएं. नेक्स्ट 3, 4, 5 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी. ओके.